मेरे फ्लैट के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे और थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी खुली जगह भी थी। वो खुली जगह जंगली झाड़ियों और छोटे छोटे पेड़ पौधों से भरी हुई थी। उन झाड़ियों में ढेर सारी गौरैयां, जिन्हें हम हाउस स्पैरोज भी कहते हैं, रहती थीं। न जाने कब हमारी और उन गौरैयाओं की दोस्ती हो गई, पता नहीं चला। सुबह डाइनिंग रूम की खिड़कियां खोलते ही हमें उनके दर्शन हो जाते थे। छोटी छोटी प्यारी प्यारी गौरैयां, भोली और मासूम। न जाने कब से वो हमारा इंतजार कर रही होती थीं, कुछ लोहे की फ्रेम पर बैठी हुई और कुछ पेड़ों पर। खिड़कियां खुलते ही ढेरों गौरैयां अंदर आ जाती थीं, शोर मचाती हुई, आपस में लड़ाई झगड़ा करती हुई। शायद पहले आने की जल्दी हर एक को रहती थी। कुछ बाजरे के दाने खाने लगती थीं और कुछ बर्तन में रखे हुए पानी में खेल कूद करने लगती थीं। पानी बहुत अच्छा लगता है गौरैयाओं को। कुछ देर मौज मस्ती कर फिर उन झाड़ियों में वापस चली जाती थी। सुबह और शाम दो वक्त आती थी वो हमारे घर। धीरे धीरे इतनी हिलमिल गई थी मुझसे और मेरी पत्नी से कि हमारे हाथ में से बाजरे के दाने उठा लेती थी। किसी जन्म की छोटी छोटी परियां लगती थी हमें। इधर उधर कूदती हुई गौरैया चलती नहीं है, कूदती हैं, या कह सकते हैं कि कूद कूद कर चलती हैं। उनके इधर उधर कूदने से कुछ देर के लिए रौनक आ जाती थी हमारे घर में। इतना अधिकार जमाने लगी थी हम पर कि किसी दिन पानी कम रखा हो तो शोर मचाती थी, क्योंकि उन्हें खेलने के लिए पानी कम पड़ता था। जितना हम उन्हें प्यार करते थे, शायद उतना ही वो हमें प्यार करती थी। कई महीने यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन सुबह हमने देखा कि उस खाली जगह को साफ किया जा रहा है, शायद कोई नई बिल्डिंग बनने वाली थी। झाड़ियां और पेड़ पौधे काटे जा रहे थे। जगह तो साफ हो गई, पर गौरैया ना जाने कहां चली गईं। रोज बनती हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गौरैयाओं से उनका घर छीनती जा रही हैं। उस समय की उनकी कुछ तस्वीरें जो हमने ले ली थी, आज भी हमें उनकी याद दिलाती हैं।